गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन द साइकियाट्रिक इमरजेंसीज, दैट इज द हिस्टोरिकल अटैक्स। एक एंशेंट या पुराने जमाने में क्या होता था कि हम जब देखते थे इस पेशेंट को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हिस्ट्री सुनाऊंगा एक पेशेंट की, 25 ईयर्स ओल्ड मेल। तो ये क्या करता था, इसकी एक शॉप होती है, तो ये शॉप में काम करता था। तो ये अनमैरिड था यार, तो ये क्या करता था, ये घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था, ये घर वालों के साथ झगड़ा करता था, ये बोलता था कि मुझे शादी करो, मुझे ये करो। तो फिर उस टाइम लोग क्या सोचते थे, बोलते हैं कि इस पेशेंट को, इसको हिस्टीरिया है, आई बात समझ। तो ये भी सोचते थे कि जब ये गुस्सा करता था, ऐसा करता था, ये बोलते हैं ये लोग क्या चाहते हैं, हमें शादी कर लो, तो इनको ये दूर जाता था। ये पुराने ज़माने का कंसेप्ट था कि अगर कोई लड़की ऐसा करेगी या कोई जो अनकॉन्शियस होती थी, जानबूझकर अनकॉन्शियस होती थी, तो बोलते थे नहीं इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको वो दूर कर देते, जो अब उसकी जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो इसका ये अटैक ठीक हो जाएगा। तो ये इट वॉज द एंशेंट कंसेप्ट। तो फिर जब साइकियाट्री डेवलप हुई तो साइकियाट्री में फिर देखा गया है कि ये लोग ये जानबूझ के नहीं करते हैं, ये इनको ये किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्शन या किसी चीज़ को ध्यान देने के लिए नहीं करते हैं इन, ये देखा गया है साइकियाट्री में कि ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर। इस मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है, ये जो हिस्ट्री होता है, इस मेंटल डिसऑर्डर में इस इंसान को अनकॉन्शियसनेस होती है और इसकी जो लिम्ब्स की मूवमेंट होती है, लिम्ब मूवमेंट हो जाती है, इसको श्यूरिंग जैसी होती है। तो दिस वाज, फिर किसने, ये साइकियाट्री ने बोला है कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये इनको ये चीज़ें ये जानबूझ के नहीं करते हैं, ये किसी चीज़ को इनकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं करते हैं, दैट इज द हिस्टोरिकल अटैक्स। अब पहले अगर हम हिस्टीरिया की नाम बोलेंगे, हिस्टीरिया जो हिस्टीरिया है, इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, हिस्टीरिया एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, दैट इज कॉल्ड एज द वेंडरिंग यूट्रस। वेंडरिंग यूट्रस इसीलिए बोला जाता था कि जो ये लेडी हैं, क्योंकि जो ये हिस्टीरिया है ये ज्यादा कॉमन देखा गया है फीमेल्स में, एडोलसेंट्स गर्ल्स में ज्यादा प्रोन है देन फीमेल्स, मेल्स। तो इसको बोला गया है वेंडरिंग यूट्रस। वेंडरिंग यूट्रस इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ये फीमेल है इसकी सेक्सुअल डिजायर होती है, उस सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए उसको हिस्टेरिकल अटैक्स आते हैं या इसको हिस्टीरिया आ जाता है, क्योंकि उसकी अंदर वाली जो चाहत होती है, सेक्सुअल डिजायर है, उसको फुलफिल करने के लिए, तो तब इसी को बोला गया है वेंडरिंग यूट्रस, आई बात समझ। उसके बाद जो ये हिस्टीरिया होता है, इसके जो ये पेशेंट होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं, कि जो ये पेशेंट होता है हिस्टीरिया की, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं, कि अगर इस पेशेंट को लव नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, अफेक्शन नहीं मिलेगा फैमिली से, तो ये चीज़ करता है हिस्टीरिया की। फॉर एग्जाम्पल ये चाहता है कि मुझे प्यार मिले फैमिली से, अगर इसको फैमिली से अफेक्शन नहीं मिलेगी, इसको फैमिली से अटेंशन नहीं मिलेगा, तो इसको ये हिस्टीरिया आ जाता है। दूसरा, ये इंसान क्या करता है हिस्टीरिया वाला पेशेंट, इसको अगर ये किसी को लव करे, किसी से साथ प्यार करे, तो जो इसका अपोजिट है वो भी सेम उसको करना चाहिए, अगर ये वो सेम नहीं करे, अगर उसको वापस वहाँ से नहीं मिलेगा अफेक्शन, तो ये बहुत ज़्यादा बर्स्ट आउट होता है। तो जो इसका अंदर वाला बर्स्ट होता है, ये जो इसका अंदर वाला जो सिट्रस होता है वो बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ दिस अटैक, इन द फॉर्म ऑफ दिस हिस्टीरिया। और एक चीज क्या करता है ये हिस्टीरिया वाला पेशेंट जब गिर जाता है ना, ये आराम से गिर जाता है, क्योंकि ये जब अनकॉन्शियस होता है ये डायरेक्टली फॉल आउट नहीं होता है, ये आराम से गिर जाता है, क्योंकि इसको अटेंशन गेन करना होता है, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे साथ लोग अटेंटिव रहे, ये मेरे साथ मेरी तरफ ध्यान दे, ये वो फैमिली हो, वो लाउड वन हो, कोई भी हो, जो ये जब इंसान किसी के सामने गिर जाएगा ये आराम से गिर जाता है। ये जैसे आप देखते हो कि किसी को, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, तो अनकॉन्शियस को उसको कंट्रोल ही नहीं रहता है, वो डायरेक्टली गिर जाता है नीचे। बट जो ये हिस्टीरिया वाला पेशेंट है, ये अपना जो इसका फॉल होता है, इट ये अकॉर्डिंगली एकोमोडेट करता है, वो नीचे गिर जाता है, इसकी कोई इंजरी नहीं हो जाती है। तो इसमें ये एक और साइन एंड सिम्टम है। और उसके बाद जो मैंने बोला, जो इसकी अंदर वो स्ट्रेस हो जाता है, वो आउटबर्स्ट होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ, उसी फॉर्म में इसको बाहर निकालता है।
तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ ब्रेडी, दैट इज ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेसनेस। उसके बाद इसका है दैट इज कॉल्ड एज रिजिडिटी, क्योंकि इस पेशेंट में क्या होता है, इसकी मसल मूवमेंट होती हैं, वो लिम्ब्स में रिस्ट मूवमेंट्स आ जाती हैं, तो इसका जो वो जैसे हम बोलते हैं कि ये अपनी फिस्ट को बहुत जोर से पकड़ता है, इसको बहुत हार्ड हो जाती है, दैट इज द रिजिडिटी इसकी लिम्ब्स में हो जाती है, और इसकी जो फिस्ट क्लिंचड फिस्ट हैं, जो फिस्ट हैं इसको जोर से पकड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जो इसका क्लिंचड फिस्ट है, और इसकी लिम्ब्स में इसकी मसल स्टिफनेस भी आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद दूसरी जो साइन एंड सिम्टम है दैट इज द, इस पेशेंट में क्या होता है, दैट इज मेनस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इसको मेनस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फीमेल्स में ही पाया जाता है, तो इसमें मेनस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसके बाद इसकी जो होती है दैट इज सेंसेशन टू लाइट, ये लाइट सेंसिटिव होता है, कौन सा पेशेंट, जो हिस्टेरिकल पेशेंट होता है दैट इज सेंसिटिव टू द लाइट। तो दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विद द हिस्टीरिया, दैट इज ब्रेथलेसनेस, इसकी रिजिडिटी आती है मसल्स में, और इसकी जो फिस्ट है ये बहुत ज़्यादा हार्डली बंद करता है, और उसके बाद इस पेशेंट को मेनस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ जाती है, और इसमें ये जो पेशेंट होता है इट इज सेंसिटिव टू द लाइट। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विद हिस्टीरिया। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है, मेनली इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, बट हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो हम बोलते हैं दैट इज होम्योपैथिक मेडिसिन, कुछ रिकमेंड किए गए हैं, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैं वो बोला गया है कि इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद अ हिस्ट्रिया। कोई ग्री ये इंग्लिश मेडिसिन कोई भी यूज़ नहीं होता है मेनली इसके लिए, मेनली इसको होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में मेनली जो चीज़ आता है दैट इज पोथोस, POTHOI, पोथियोस इज द ड्रग, इट इज अ होम्योपैथिक ड्रग विच इज यूज्ड फॉर हिस्ट्रिया। सेकंड ड्रग इज एसीफिटो, एसीफिटिडा, दिस इज द सेकंड ड्रग, एंड थर्ड ड्रग इज IGNATI, इग्निशिया 30, दीज आर द थ्री ड्रग्स, होम्योपैथिक ड्रग्स विच आर रिकमेंडेड टू या पेशेंट। तो इस वजह इन ड्रग से देखा गया है कि इस वजह से पेशेंट को कंट्रोल हो जाता है हिस्टेरिकल अटैक्स में। उसके बाद इस हिस्टेरिकल अटैक में अगर देखेंगे इसकी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कोई अननोन नहीं है, इसकी अननोन पैथोलॉजी है, कोई भी काज नहीं देखा गया है कि इट इज़ द जिसकी वजह से ये हिस्टीरिया होता है। मेनली मैंने अभी बोला है कि हिस्टीरिया ये पेशेंट होता है, इसका जो अपनी अंदर वाली एनजाइटी है इसको आउटबर्स्ट अब बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उस वजह से इसको ये अटैक्स आ जाते हैं, तो पैथोलॉजी इसकी अननोन है। अब जो अब लास्ट वाली साइकियाट्रिक इमरजेंसी है दैट इज कॉल्ड एज द रेप विक्टिम, जो ये रेप होती हैं, रेप इज किसी को इंटेंशनली ज़बरदस्ती किसी के साथ उसको असॉल्ट करना, उसके साथ सेक्सुअल अफेयर, सेक्सुअलिटी उसके साथ पेशेंट के साथ आपको सेक्सुअल जो इंटरकोर्स वो हम पेशेंट को ज़बरदस्ती करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेप। जो इस रेप में होता है कि इस रेप के अगर हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स के इस पेशेंट में क्या पाया जाता है कि जो ये पेशेंट होता है इट इज़ डिप्रेस्ड पेशेंट हो जाता है, इस जो इस पेशेंट की सोशल आइसोलेशन हो जाती है, ये पेशेंट अलोन होता है, इस पेशेंट में फिर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें PTSD भी पाया जाता है जो ये पेशेंट होता है ये रेप विक्टम के। और उसके बाद इस रेप विक्टम का मैनेजमेंट क्या करेंगे, अब इन रेप विक्टम में क्या करते हैं, इस पेशेंट को हम एश्योरेंस देते हैं, एश्योर द पेशेंट, उसका हम इमोशनल सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट हमेशा इस पेशेंट को देंगे, और इस पेशेंट को हमेशा हम कभी अलोन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसके पास जो अटैक आया होता है दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो आएगा, तो इसके साथ हमें ऑलवेज लोन रहना है, उसके साथ हमेशा रहना है, क्योंकि अगर हम इसको अकेले छोड़ेंगे तो ये पेशेंट सुसाइड भी कर सकता है, या इस पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे या सुसाइडल थ्रेट्स भी ये करेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द साइकियाट्रिक एमरजेंसीज जो पिछले तीन लेक्चर से हमने पढ़े हैं, तो इस दो लेग जो आज के दो हैं दैट इज हिस्टेरिकल अटैक्स एंड रेप विक्टिम, दे आर द साइकियाट्रिक इमरजेंसीज विच आकर इन द साइकियाट्रिक वार्ड, या जो इस मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट में या साइकियाट्रिक में होते हैं। तो या मुझे आप मुझे आई होप कि जितने भी ये साइकियाट्रिक इमरजेंसी आपको समझ आए होंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।